फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांव है फगवाड़ा, भानोगी के हम भानोगी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो हवेली बनवाई थी ये दादाजी ने बनवाई थी 39 में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज हम आए हैं मछरिया गांव में चौधरी अतिंदर सिंह की हवेली पर। ठीक है जी, ये जो आप देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे अमरोहा में, ये सबसे बड़े जमींदार थे जी यहाँ के। ठीक है, इनके बड़ों के पास कभी 3000 बीघा जमीन हुआ करती थी जी। ठीक है, और ये जो आप एरिया देख सकते हैं, ये 25 बीघे में इनके मकान हैं। ठीक है जी, कम से कम 8-10 ट्रैक्टर हैं और कृषि यंत्रों का तो पता ही नहीं कितने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी बात उनके वंशज से करवाएंगे। ठीक है जी, चौधरी अतिंदर सिंह जी से करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भाई जी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख लो, ये कृषि यंत्रों के लिए सारे ये यहाँ पर बनाए गए हैं। कृषि यंत्र गिनना आप कितने हैं, देख लो। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये 3-4 कृषि यंत्र यहाँ पर है, ये दूसरा ट्रैक्टर है। ठीक है जी, और ये आप देख लो, यहाँ आप देख लो जी, ये हैरो वगैरह है। ठीक है जी, और एक इनके खेतों पर फार्म है, वहाँ पर भी बहुत सारे कृषि यंत्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ देख लो, हैरो की लाइन लगी हुई है जी पूरी, और ये कृषि यंत्र है यहाँ पर, ये देख लो आप, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आप देख लो, एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया कम से कम 25 बीघा है, और कम से कम 50-60 कमरों से ऊपर होंगे। ये आप देख लो, ये हवेली भी बहुत पुरानी है। ठीक है, अतिंदर सिंह जी जानेंगे इस हवेली के बारे में। ये आप इधर से देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये आप देख लो, इधर से भी आप देख लो, ये आप देख सकते हैं, ये देख लो। ठीक है, अमरोहा संभल का सबसे बड़ा जमींदार इसी परिवार का है जी। ये देख लो, मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लो जी, ये देख लो, कम से कम 150-200 साल पुरानी हवेली होगी, इधर से आप देख सकते हैं। ये देख लो जी, ठीक है जी, और मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ एक बार कवर करके, ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये आप देख सकते हैं जी, इधर से आप देख लो, ४९४१ में बनी थी जी हवेली, आप देख लो। ठीक है, चलिए आपकी बात चौधरी साहब से करवाते हैं। ये देख लो भाई, उस पर लिखा हुआ है यहाँ 1941 में बनी हुई थी जी, ये देख लो। और ये जो बोर्ड वगैरह हैं, ये भी पुराने जमाने के लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आप देख लो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, परिवार के बारे में क्या बताऊँगा, आप जो पूछें वो बताओ। हमें आपका, हमने सुना है आपके पास ये जमींदारा था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए अपने परिवार। जमींदारा तो भैया दादाजी के पास था। हाँ, दादाजी के बारे में पूछ रहे हैं। दादाजी के बारे में, क्या उनका नाम था? दिलीप सिंह। अच्छा, दिलीप सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, जमींदारा उसे उन्हीं के टाइम पे खत्म हो गया था। उन्हीं के टाइम पे खत्म हो गया था, तो उसके बाद तो खाली से काजकार रह गए सब यूपी में। अच्छा, सब यूपी में काजकार रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 एकड़ से ज्यादा कोई रख नहीं सकता। 12 एकड़ तो सब सामान्य काजकार है, सामान्य काजकार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपने बड़े कहाँ से आए थे यहाँ मछरिया से पहले? हम रहने वाले असल में है पंजाब के। पंजाब के? अच्छा, पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गाँव है फगवाड़ा, भानोगी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो हवेली बनवाई थी ये दादाजी ने बनवाई थी 39 में। सर, बात करें अभी अपने पास कितनी जमीन है? अब तो भैया 12.5 एकड़ है, इसे ज्यादा तो है ही नहीं। अच्छा, 12.5 एकड़ है। अच्छा, खेती में यहाँ पर बहुमूल्य खेती क्या क्या है? इसमें गन्ना धान गेहूँ। अच्छा, अभी ये एरिया की अगर बात करें तो इस हवेली का पूरा एरिया कितना है सर?
ये तो कोई नहीं देगा, अब तो ये डिवाइड हो गई ना, छोटे भाई पे भी है, आधी छोटे भाई पे आधी मेरे पे। नहीं हम तो पूरे की बात कर रहे हैं सर। नहीं पूरे का तो एक एकड़ करीब होगा, एक एकड़ के करीब। अच्छा अच्छा चलिए धन्यवाद जी। तो भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाई ये मछरिया की हवेली। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।